Now before we move on to the video of the day, just to let you know कि हमारा batch 2 for political science and international relations optional for 2021 जो है launch हो चुका है. आपके पास दो जो है options है of with evaluation course as well as without evaluation course. दोनों ही courses के अंदर जो है detailed content classes provide की जाएंगी along with demo lectures जो कि already available हैं. साथ ही में इसमें detailed PDFs भी होंगी, mentorship provide की जाएगी as well as doubt clearance on telegram group as well as dashboard. हमारे dashboard पे जो है आप जाके अपने doubts list out कर सकते हैं and they will be resolved. साथ ही में telegram group भी for information purposes जो है वो अवेलेबल होगा जहां पे आप इंक्लूड कर दिए जाएंगे. साथ ही में आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग होगी सो दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड, जहां पे मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे. देयर विल आल्सो बी सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट्स जो कि दोनों ही कोर्सेज में अवेलेबल होंगे. अलोंग विद दैट आप पॉलिटिकल साइंस का ये जो ऑप्शनल कोर्स है आप हमारे प्री प्लस मेंस का जो बैच 2 है उसके साथ भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, एसए के साथ भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं. तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव किफायती ये कॉम्बिनेशन कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं. वी आल्सो हैव एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट रनिंग, तो आप जो है जाके इस डिस्काउंट को अवेल भी कर सकते हैं जहां पे डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है अभी ये कोर्स मिल रहा है. 10th जुलाई ऑनवर्ड्स जो है आपके कंटेंट लेक्चर शुरू हो जाएंगे एंड 6th जुलाई ऑनवर्ड्स ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगी. इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन विजिट टारगेट 2021 एट sleepyclasses.com. Now in the previous lecture we talked about alienation and किस तरह से जो capitalist mode of production है वो alienation को seep in कर देता है लोगों के अंदर, जहाँ पे not just the workers but even the capitalists are on the way to being alienated. ठीक है, तो हमने देखा था चार modes of alienation जिनकी जो है Marx बात करते हैं कि किस तरह से पहले तो जो labor है, जो लोग हैं वो product से ही alienate हो जाते हैं. प्रोडक्ट से एलिनेट क्यों होते हैं, वी हैड सीन दैट बिकॉज जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है उनमें उनकी क्रिएटिव पावर नहीं जा रही है. दे कांट डिसाइड कि किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए. जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आया उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. जो प्रोडक्ट फाइनली जिसकी जो वैल्यू है वो उनको नहीं मिल रही है. नेक्स्ट दे मूव ऑन टूवर्ड्स के जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटी है उससे ही एलिनेट हो गए हैं. ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज अगेन द प्रोसेस, द एक्टिविटी इज नॉट समथिंग दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स. दे आर जस्ट कॉग्स इन द व्हील ऑफ दिस ह्यूज मशीनरी. ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने काम करते रहना है बट अपना कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं देना है. सिमिलरली हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट भी जो है उनके साथ भी क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट के साथ भी दे हैव कंप्लीटली गिवन इन टू द मार्केट फोर्सेस. इन फैक्ट इवन द कैपिटलिस्ट आंट रियली प्रोड्यूसिंग व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस बट ओनली व्हाट द मार्केट वांट्स देम टू प्रोड्यूस. ठीक है, नेक्स्ट अप दे आर ऑल्सो गेटिंग सोशलाइज्ड, एलिनेटेड फ्रॉम द सोशल रिलेशंस, द पीपल अराउंड देम, राइट. दैट इज बिकॉज दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अ वेरी ग्रूलिंग वर्क एट हैंड. जो पूरा वर्क एटमोसफेयर है, पूरा वर्क एनवायरनमेंट जो है उस पर हम कॉम्पिटिशन रादर देन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, बिकॉज हमेशा ही पीपल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सर्कमस्टांसेस विज़ावी दी अदर्स. ठीक है, तो बेटर पे लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, साथ ही में क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रूलिंग जॉब है तो दूसरों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है, राइट. बहुत ही ज़्यादा लोगों से, अपनी खुद की फैमिली से, आसपास के लोगों से बहुत ही एलिनेट हो गए हैं, वो डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं वो. एंड लास्टली बिकॉज हम एक इसेंशियल नेचर ही रॉब कर रहे हैं बाय दीज प्रोसेसेस, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई विज वी द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपकी सोशल नेचर खत्म हो गई बिकॉज आप एलिनेट हो गए हैं बाकी सब लोगों से. तो आपकी जो ह्यूमन नेचर है आप अपने आप से ही जो है एलिनेट हो जाते हैं. इस पे बिल्डअप करते हुए जो है लेटर राइटिंग्स में मार्क्स कम्स अप विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज दैट ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म. और ये कमोडिटी फेटिशिज्म जो है ये आजकल मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर, सोशियोलॉजी, सो ऑन सो फोर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे पीपल लाइक थियोडोर अडॉर्नो जो कि अगेन एक न्यू मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने भी इस काम की, इस चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है. ठीक है, अब ये कमोडिटी फेटिशिज्म है क्या? लेटर राइटिंग्स में ना एलिनेशन से भी आगे
एक तरफ और ऊपर बढ़ जाते हैं. एंड मार्केट, एक ये जो मार्केट ओरिएंटेड पूरी सोसाइटी बन गई है, पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, मार्क्स कहते हैं दैट दैट इज लेडन विद कमोडिटी फेटिशिज्म एंड दिस इज द मेन थिंग जो कि कैपिटलिज्म का एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब ये कमोडिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट. कमोडिटी बेसिकली ऐसी चीज होती है जिसको आप मार्केट के अंदर जो है बेच सकते हो. ठीक है, बेच सकते हो मतलब समवन शुड फाइंड दिस वर्थ बीइंग बॉट, बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर मनी और बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर सम अदर गुड्स. तो बेसिकली कमोडिटी का आइडिया क्या है? कमोडिटी का आइडिया है जब ये सेलिंग पर्पस के लिए मार्केट के अंदर एक्सचेंज के लिए यूज हो सकती है. ठीक है, और ये कमोडिटी, ये कमोडिफिकेशन जो है, ये कैपिटलिज्म के अंडर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इनफैक्ट मार्क्स जो है बात करते हैं कि अगर आप बेसिक एक आइडिया ही कैपिटलिज्म का देखें, जहाँ पे अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मासेस जिनके पास कुछ नहीं है, तो ये मासेस क्या करते हैं? अपना लेबर बेचते हैं, राइट. यहाँ पे कैपिटलिज्म बार बार उनको बोलता रहता है दीज आर फ्री पीपल, ठीक है, ये स्लेव्स नहीं है, ये किसी भी तरह से टाइड सर्फ्स नहीं है, ये तो फ्री लोग हैं जो कि वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में इनकी जो लेबर पावर है अब वो क्या हो गई है? इनकी लेबर पावर कमोडिफाई हो गई है जहां पे ये मार्केट में बिकती है. ठीक है, तो इनफैक्ट एक इंसान की खुद की भी जो लेबर है उसको भी कमोडिफाई कर दिया गया है. अब इस बेसिक आइडिया को समझने के लिए कमोडिटी को, कमोडिटी फेटिशिज्म क्या है, मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. ठीक है, और यहां पे वो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर देते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कमोडिटी. ठीक है, अब क्या कहते हैं मार्क्स? मार्क्स कहते हैं जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट कमोडिटी हो. ठीक है, अब यूज वैल्यू क्या है? यूज वैल्यू इज रिलेटेड टू अ क्वालिटी. व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी मीन्स कि हम कोई चीज बना रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसकी जरूरत है. देयर इज अ नीड for a certain object, right? Why? Because it serves certain purpose, it serves a certain necessity, it fulfills a certain need, necessity of people. And that is why that object is made, that object is created. So, it has a use value attached. Why? Because it is useful, right? It is useful for us. It is serving a need. It is fulfilling a necessity. On the other hand, an object becomes a commodity when it has exchange value attached to it, that is quantity. अब इसका क्या मतलब है? Is this means basically that commodity, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, it can be exchanged either for money or for a number of other goods. And quantity की यहाँ पे क्यों बात हो रही है? We will always wish to have a commodity that has higher exchange value, that can be exchanged for a lot of money, right? Money जो कि एक universal exchange value बन गया है, और it can be, you know, exchanged for a lot of goods, right? Why? Because that will give us, ये क्या है? ये quantity आ जाएगी यहाँ पे, right? So that is why Marx distinguishes between use value and exchange value. एंड जरूरी नहीं है दैट यूज वैल्यू विल बी इन प्रोपोर्शन टू एक्सचेंज वैल्यू. इन फैक्ट इट माइट जस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, एंड दिस इज वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम दैट कैपिटलिज्म इज. फॉर एग्जाम्पल, अब आप लगा लीजिए देयर इज अ बार ऑफ गोल्ड. ठीक है, देयर इज अ गोल्ड बार, एक गोल्ड की ब्रिक है. अब गोल्ड की ब्रिक का एक्सचेंज वैल्यू बहुत है. It has a crazy amount of exchange value. Why? Because it can be exchanged for a lot of money, it can be exchanged for a lot of goods, and so on and so forth. However, does that bar of gold have any use value? Can you eat it if you're hungry? You can't. Agar aapko sardi lag rahi hai, can you cut it like a log of wood and use it in fire? You can't. Right? So use value jo hai is bar of gold ka bahut kam hai, but exchange value jo hai bahut zyada hai. एंड ये एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेटाइज्ड है. देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल हु हैव इनफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टू बी एबल टू कैप्चर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑल्सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उभर के आ गई हैं. व्हाई? बिकॉज नाउ
ह्यूमंस का क्या हो गया है, लोगों का क्या हो गया इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, दैट दे डोंट सी देमसेल्व्स एज ह्यूमंस और दे डोंट इंटरैक्ट विद अदर पीपल एज ह्यूमंस और हैव रियली यू नो डीप कनेक्शंस विद देम. व्हाई? बिकॉज दे आर एलियनेटेड. व्हाट डू दे हैव? दे हैव एक्सचेंज्ड बेस्ड रिलेशनशिप्स. ठीक है, एक्सचेंज इज व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. मेरे को कोई चीज इसलिए चाहिए क्योंकि पीपल एंड द मार्केट थिंक्स दैट इट इज वेरी वेरी प्रेशियस. इट इज वेरी सेज समथिंग समथिंग दैट शुड बी हैड, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए, पॉसिबली द लेटेस्ट आईफोन सर्व्स द सेम पर्पस एज मे बी लाइक अ नॉर्मल स्मार्टफोन डज, राइट? सो इट हैज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स, सिमिलर से फीचर्स, सो ऑन सो फोर्थ. ऑब्वियसली देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस कि मे बी उनकी कैमरा क्वालिटी बेटर है थोड़ी सी, बट डज इट से सिग्निफाई द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ मे बी अ स्मार्टफोन विच इज प्राइस्ड एट से 6,000 or 7,000 एंड एन आईफोन विच इज प्रोबेबली प्राइस्ड एट समवेयर towards nearly a lakh of rupees. अब use value तो उस iPhone की इतनी ही है, ठीक है, जो वो need पूरी कर रहा है. Use value तो इतनी है, but उसकी exchange value क्या है? Exchange value is through the roof. And why do you want an iPhone? Because it commands that kind of exchange value and it commands that kind of, you know, awe in the market. Because market के अंदर क्या है? That if you have an iPhone, it speaks of the kind of stature you have. It speaks of the kind of person you are. तो अभी क्या हो गया है? आप सब commodity oriented हो गए. You want a certain brand of shoes. Why? वो चाहे उतने ही ढंग के शूज हो जो कि प्रॉबेबली एक बाटा या लिबर्टी के जूते हो, बट वाई देयर इज अ सर्टेन एक्सचेंज वैल्यू अटैच टू इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दैट इनिशियली व्हेन ऑल दीज वेस्टर्न गुड्स वर बीइंग पंप्ड इन, व्हाई वाज देयर सो मच फैसिनेशन विद से कोका कोला, व्हाई वाज देयर सो मच फैसिनेशन विद ब्लू जीन्स, एंड से व्हेन यू वर ग्रोइंग अप व्हाई वाज देयर सो मच फैसिनेशन विद मैकडॉनल्ड्स? Because of the idea that they had acquired this great exchange value and had acquired a sense of being something that should be had by people. Ek market ke andar jo hai unka wo set kar diya tha unhone. And this is exactly what commodity fetishism is. Theek hai? Ki true value kya hoti hai? True value is basically, isko hum clear kar dete hain so that you guys can see. ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू इज बेसिकली जितना लेबर गया है, द अमाउंट ऑफ लेबर दैट हैज बीन पुट इन टू मेक अ प्रोडक्ट. ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यों? फुलफिल करने के लिए किसी जरूरत को. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की क्या है? ऑब्जेक्ट की एक यूज वैल्यू है regardless of whether it is a commodity or not. So imagine कीजिए, I had a leftover log of wood lying in my backyard and I realized that I need a coffee table or I need a side table or I need a newspaper stand. I need something because मैं पढ़ता हूँ और मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. So what do I decide to do? I decide to make this table on my own. So I get the tools required. मैं उस log of wood को chop करता हूँ, सारा काम करता हूँ और उसकी मैं एक टेबल, एक साइड टेबल बना देता हूँ जहां पे मैं से बेड टेबल बना देता हूँ जिसको मैं रात को पढ़ने के लिए यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब ये यूज वैल्यू उसकी बहुत है. क्यों? क्योंकि अब हमने वो बनाई थी किस लिए? टू फुलफिल अ नीड. फुलफिल अ नीड व्हाट? दैट आई नीड टू स्टडी एट नाइट, राइट? एंड आई सिट इन माई बेड एंड आई डोंट हैव अ स्टडी टेबल. सो नाउ व्हेन आई हैव दिस बेड टेबल, इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू स्टडी, राइट? सिटिंग इन माई बेड बिकॉज आई हैव दिस टेबल. ठीक है, और इसकी मेन एक ट्रू वैल्यू कहां से आई है? बिकॉज यू पुट इन द लेबर. सो यू हैव रियलाइज कि आपने कितना इसमें लेबर डाला है टू मेक दैट बेड टेबल विच विल नाउ बी यूज आपके पढ़ने के लिए. मार्क्स कहते हैं ये जो है आपकी ट्रू वैल्यू या यूज वैल्यू है. एंड जरूरी नहीं है दैट दिस ऑब्जेक्ट विल बी अ कमोडिटी. नाउ व्हाई? यू हैव पुट इन सो मच डेडिकेशन, यू हैव पुट इन सो मच लेबर, राइट? यू मेड अ बेड टेबल. व्हाई? व्हिच इज टू फुलफिल अ सर्टेन नीड ऑफ योर्स एंड इट हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट? सो यू रियलाइज कि आपको कितनी स्पेस चाहिए ऑन दैट बेड टेबल, यू रियलाइज आपको कितनी हाइट चाहिए एज पर योर हाइट, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. यू डिसाइड दैट यू नॉट गोइंग टू सेल इट. तो
आप इसको मार्केट के लिए नहीं बना रहे हैं कि आप इसको बेच सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अच्छा मैं तुम्हें ये बेड टेबल दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे 3 pens दे देना, या इसके बदले में यू गिव मी दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द मार्केट, इट इज नॉट बींग यूज फॉर एक्सचेंज पर्पज, इट इज नॉट बींग सोल्ड इन द मार्केट, तो ये कमोडिटी नहीं है अभी, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है. तो एक ऑब्जेक्ट कमोडिटी हो सकता है जब, सो मे बी यू नो फर्दर डाउन द मंथ्स, राइट, सम फ्रेंड ऑफ योर्स कम्स ओवर एंड ही सेज, अरे वाह बहुत अच्छी बेड टेबल बनाई है यार, मे बी यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर स्टडी एंड स्टडी टेबल, सो दे दिस विल बी समथिंग दैट दे विल यू नो रियली लाइक, सो मे बी यू शुड स्टार्ट सेलिंग इट ऑन अमेजोन. नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, व्हेन योर टेबल स्टार्ट्स बीइंग एसोसिएटेड विद एन एक्सचेंज वैल्यू, व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विच यू मेड, राइट, दिस बेड टेबल विच यू मेड विल नाउ बिकम इन टू अ commodity. It will change into a commodity. Why? Because it will have a certain exchange value attached to it. And again, क्या आप उसकी exchange value उसके हिसाब से रखोगे जितने आपने labor डाला? Obviously not. You will want to earn some profit. तो से आपको वो free log मिली थी, वो आपका कोई पेड़ टूट गया था तो आपने वही log use कर ली, ठीक है, tools सस्ते आ गए थे and बाकी आपका time and effort जो गया था, that is what matters, right? So maybe now what happens is that आपने अब ज़्यादा tables produce करने, so you decide कि अब मैं तो बना नहीं सकता, तो आपसे आपके घर में कोई माली या कोई जो है काम करते हैं, आप उनसे वो टेबल्स बनाने लगते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कितनी लेबर जा रही है, बट क्या आप उसको उतने ही प्राइस पे सेल करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, यू विल सेल इट एट अ मच हायर प्राइस, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट वो लेबर के हिसाब से वैल्यू नहीं हो रही है, बट कमोडिटी कितना कमांड कर सकती है प्राइस, डिपेंडिंग ऑन के मार्केट में उसकी कितनी जरूरत है, उस हिसाब से जो है उसका प्राइस डिटरमिन हो जाएगा, एंड उसका सरप्लस वैल्यू आप पॉकेट करेंगे रादर देन गिविंग इट टू द से माली एटसेट्रा और समवन हु इज नाउ मेकिंग दोस टेबल्स फॉर यू, ठीक है. सो ये आइडिया जो है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक कमोडिटी बनने के लिए क्या जरूरी है? एक्सचेंज वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है. और एक्सचेंज वैल्यू क्या है? जब किसी प्रोडक्ट के साथ एक वैल्यू अटैच्ड है कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या इसको जो है एक्सचेंज किया जाएगा फॉर से सम अदर गुड्स, जैसे कि बाटा सिस्टम में होता है, तो मार्केट के अंदर इसके बदले में कितनी चीजें हमें मिलेगी या कितना पैसा हमें मिलेगा, दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है. अगेन यही एक एग्जांपल जो है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है, कि अगर आप जो है खुद एक टेबल बनाते हैं बिकॉज यू वांटेड इट, बिकॉज यू रियली रिक्वायर्ड इट, तो इसके साथ एक यूज वैल्यू अटैच्ड है, ठीक है, बट जब आप उसको बेचने लग गए, जब एक मार्केट प्लेस में जो है ये एंटर हो गया, तो ये क्या बन जाता है? ये एक कमोडिटी बन जाता है, ठीक है. और मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि बेसिकली कैपिटलिज्म एक इतना गंदा इविल इकोनॉमिक सिस्टम है कि हर जगह ऑब्जेक्ट्स हैव नाउ बिकम कमोडिटीज, ठीक है, कि हर चीज जो है उसकी वैल्यू किससे जुड़ी है? एक्सचेंज वैल्यू से जुड़ी है रादर देन यूज वैल्यू, ठीक है. सो देयर इज नो आइडिया ऑफ यूज वैल्यू. एक्चुअल में कहां से आ रही है उसकी चीज? एक्सचेंज वैल्यू जो है उससे आ रही है, ठीक है. तो क्या हो रहा है कि बेसिकली पूरी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन कैसे चल रही है? बेस्ड ऑन डिमांड. तो किसी चीज को अगर आपने बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई वो, तो क्या होगा? पीपल विल बी विलिंग टू पे एनी काइंड ऑफ प्राइस फॉर इट. तो तभी जो है वो प्रोड्यूस होगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में. अगर कोई चीज हमें लगता है कि बहुत अच्छी है बट उसकी कोई डिमांड नहीं है, लोग जो है उसके लिए बहुत हाई स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस नहीं पे करेंगे या उससे मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता, सो दे विल थिंक दैट इट्स यू नो इट्स नॉट वर्थ माई वाइल, वाई शुड आई यू नो इवन प्रोड्यूस इट. तो हम कई बार ऐसे ये चीजें बात करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे कि अभी भी कुछ ऐसी रेयर डिजीजेज हैं, ठीक है, आपने ये न्यूज पे भी पढ़ा होगा, रेयर डिजीजेज हैं, एंड क्योंकि इतनी रेयर है ये बहुत ज्यादा लोगों को अफ्लिक्ट नहीं करती हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स रियली डोंट फाइंड इट वर्थ देयर वाइल और वर्थ देयर मनी और वर्थ देयर एक्सपर्टीज कि हम जो है ड्रग्स बनाने की कोशिश करें जो कि इन रेयर डिजीजेस को केटर करेंगे. व्हाई? बिकॉज नाउ ड्रग्स हैव बिकम अ
कमोडिटी रादर देन देयर यूज वैल्यू, कि ये जो है लोगों की हेल्थ को, उनकी लाइफ को बचाने की कोशिश करेगा. ड्रग्स क्या बन गए, मेडिसिन क्या बन गए, देव बीन एसोसिएटेड विद द एक्सचेंज वैल्यू, कि इसकी कितनी डिमांड है, कितने प्राइस पे ये बिक सकता है. सिमिलरली ऐसी डिजीजेज जो से डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज को ज्यादा अफ्लिक्ट करती हैं रादर देन एडवांस्ड एंड रिच कंट्रीज, राइट. उनके ऊपर रिसर्च और उनके ऊपर टाइम खर्चना और उनके ऊपर पैसा खर्चना कम होगा. वाई? बिकॉज उतनी एक्सचेंज वैल्यू नहीं आ रही है उससे, इवन दो दे मे बी ह्यूज अमाउंट्स, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कि उस डिजीज से अफ्लिक्ट हो रहे हैं, बट बिकॉज उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो फार्मास क्या बोलेंगे कि हमारे लिए तो यू नो देर इज नो benefit in producing that drug. So this is how you understand this mismatch between use value and exchange value, which has come up as a result of capitalism, right? And again, this is what I say कि आपकी regular reading के अंदर ही आप कितनी सारी ऐसी चीजें जो है निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी rare diseases की बात की या diseases which afflict the developing or poor countries, which you can very easily fit even in your thought and theory. When you put in such examples, when you write of such examples, what happens is that your answers become more relatable, they also become more interesting, right? यहाँ पे समझ में हमें आता है कि आपको अब आपको थॉट समझ में आ गया है, अब जो लॉजिक है बिहाइंड समथिंग यू एक्चुअली रियली रियली ग्रास्प्ड इट, एंड दैट इज व्हाई यू आर बीइंग एबल टू पुट इट एंड अप्लाई इट टू कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस. सो ये करना जो है बहुत जरूरी है. सिमिलरली देर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स जो कि ये आ जाते हैं ना, बिकॉज समथिंग बिकम्स एन एक्सचेंज, किसी की एक्सचेंज वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कमोडिटी, उस कमोडिटी के अंदर ही अ कमोडिटी ये क्या हो जाते हैं, हैविंग वैल्यू इन इट सेल्फ. कि कमोडिटी अब किसी और एक्सचेंज वैल्यू की बात नहीं हो रही कि कौन कितना खरीद पा रहा है, बट वो इतनी वैल्यूएबल हो जाती है दैट हैविंग समथिंग लाइक दैट बिकम्स अ वैल्यू इन इट सेल्फ, ठीक है. और हम क्या कर देते हैं कि जिन बेचारों ने उसको बनाया है उसकी कोई कदर नहीं होती, बट दैट कमोडिटी इट सेल्फ बिकम्स अ मैटर ऑफ ए स्टेटस सिंबल, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वैल्यू. सो इमेजिन कीजिए कि कोई भी ये हाई एंड कुट्योर टाइप जो कपड़े होते हैं, राइट, सो इमेजिन लाइक अ शनेल और अ डियोर और समथिंग लाइक दैट, अब वो क्या हो गया, अब वो कमोडिटी ऐसी हो गई वेर इन द कमोडिटी इट सेल्फ हैज अ वैल्यू अटैच टू इट. जब भी आप वो नाम ही सुनते हैं यू फील अच्छा ये तो भाई कुछ बहुत ही ज्यादा है, और इफ समवन इज यूजिंग इट यू सडनली जस्ट फील अच्छा ये तो इंसान हैज सम ग्रेट टेस्ट. यू कैन अप्लाई अ सिमिलर एग्जाम्पल टू से iPhones as well, right? Wherein the commodity is now seen as having a value in itself rather than generating some other value or fulfilling a particular need. ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा fetishism जो है commodities के साथ बढ़ गई है, and हमें कोई value नहीं है with regard to the people who are being employed to say manufacture those things, right? So maybe you love a pair of Air Jordans, but you don't care about the people in sweatshops in Indonesia जो कि बेयर मिनिमम वेजेस पे इनको बना रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली ऑल दीज बिग कुटूर हाउसेस एंड हाउ दे एम्प्लॉय पीपल अक्रॉस द डेवलपिंग कंट्रीज इन दे आर पेड अ पिटेंस टू मेक समथिंग जो कि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि इतनी वैल्यूबल बन गई है, ठीक है. सो ये कमोडिटी फेटिशिज्म जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मार्क्स, एंड वो कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस in the capitalist society, जहां पे what does a person want, all the person wants to do is really be able to buy these commodities. तो इंसान importance किसको देने लगता है, इन commodities को देने लगता है. तो लोगों को क्या लगता है that if I have an iPhone, you know, I will be very happy. और if I gift a Chanel number 5 to say my girlfriend, she will be really happy and it's a symbol of my love, rather than say something like maybe going ahead and talking to people in person or going and spending quality time with someone you love, right? So rather than these actual relations and connections and what human essence is all about, what happens is ki aap sab hi commodity laden ho jate ho and aapki sari feelings har cheez jo hai in commodities ke sath jo hai aur inki acquisition ke sath jo hai ye relate hone lagti hai, theek hai. Aur yahi baat jo hai humne jaise ki shuru mein kiya tha ki labor jab khud ek commodity ban gaya hai to kya ho raha hai ki
ह्यूमंस और ह्यूमन रिलेशनशिप भी कमोडिफाई हो गए हैं. तो आप हमेशा कैसे देख रहे हो कि दूसरा इंसान जो कि मेरे साथ काम कर रहा है इज ऑल्सो अ कोवर्कर, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन. सो यू नो वर्क फ्रेंड्स माइट बी अ मिथ. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल कम्पीटिंग फॉर बेटर वेजेस. यू आर कम्पीटिंग फॉर से अ प्रमोशन विच कैन ओनली बी गिवन टू वन पर्सन, राइट? सो व्हाट इज हैपेंड इज कि लेबर इट सेल्फ विच वॉज सपोज टू बी अ creative activity intrinsic to human nature as itself has become what? A commodity now to be bought and sold in the market. And this Marx emphasizes is extremely sad, and this is what is absolutely wrong with the capitalist system. ठीक है, so at the end of the day अब हम production activity क्यों कर रहे हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें salary मिलेगी. ठीक है, और उस salary से हम क्या कर रहे हैं, उस salary हमें इसलिए चाहिए ताकि हम iPhones खरीद सकें, हम अच्छे कपड़े खरीद सकें, हम Zara के अंदर जब sale लगती है तो हम बहुत सारी चीजें जाके खरीद सकें. So basically it's all driven by consumption. They need to possess more and more commodities, and this is how Marx understands the entire idea of commodity fetishism. ठीक है, कि अब आपके पूरे relationships भी हैं जो they aren't driven with the idea of whether I genuinely connect with a person or whether being with that person, you know, really makes me happy. हम बोलते हैं ना कई बार it's the friendships of convenience, right? So I become friends with the topper of my class because मेरे को बहुत अच्छे notes मिल जाएंगे उससे, and that those notes will probably help me pass my paper as well, right? Or maybe I'll become friends with someone because having him on the company project will add to my project and I will be able to deliver a better report which will lead to a promotion. So ye kya hai, har cheez ki jo hai commodification ho gayi hai, and aisi cheezon ki jo hai aage chalke bahut sare new marxists bhi baat karte hain, Adorno jaise, jo ki baat karte hain aapke mass culture ki. Theek hai, jahan pe wo bolte hain art jo hai, art instead of being really say appreciated for the kind of happiness that it gives has just become now a popular culture. It is what people just find to be hip. तो अगर आप आजकल के pop music सुने या भांगड़ा पंजाबी गाने सुने, वो क्या है, Adorno will just look at it as mass culture, right? कि it is being produced not because it is something, it is a very good art or it is very good music, but because वो बिकता है market में, because it has great exchange value. So even though folk music or say classical music, which may be more soothing, which is say a better form of art or something that has greater use value because it might soothe human beings, right? That does not matter. What matters is selling culture, and ye selling culture ka idea jo hai mass culture ke sath jo hai wo associate karte hain, and this is exactly what commodity fetishism is in the Marxist framework.